बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने वाली कई खूबसूरत अभिनेत्रियां जिस तरह पर्दे पर अपने रिश्तों को संभालती हैं, असल जिंदगी में भी अपने रिश्तों को उसी तरह मेंटेन कर रखती हैं। इन्हीं रिश्तों में एक खूबसूरत और लोक जोग वाला रिश्ता है ननद और भाभी का। बॉलीवुड अभिनेत्रियां अपने इस रिश्ते को निभाती हैं, हर समय अपनी नंद और भाभी के साथ नजर आती हैं। कुछ ननद भाभियों की तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि वो अपनी समझदारी के चलते हुए बॉलीवुड की लाइमलाइट में हमेशा बनी रहती हैं। और इनमें से कुछ ननद भाभी का आपसी रिश्ता तो ऐसा है कि उनके प्यार और बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि आपस में सगी बहनें हों। और आज हम आपको अपने इस वीडियो में बॉलीवुड की कुछ खूबसूरत और प्यारी ननद भाभी की जोड़ी से रूबरू कराने वाले हैं, जो एक दूसरे को प्यार और रेस्पेक्ट देती हैं। चलिए तो मिलते हैं बॉलीवुड की खूबसूरत ननद भाभी की जोड़ियों से। नंबर वन, अनुष्का शर्मा। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने छोटे से करियर में तीनों खान्स के साथ काम किया है और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। लेकिन साल 2017 में अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने इंडियन की टीम के कैप्टन विराट कोहली से शादी कर ली, जिसके चलते विराट की बड़ी बहन भावना अनुष्का की सगी नंद हैं। वहीं इनकी ननद भावना एक हाउसवाइफ है जो लुक्स में अनुष्का से भी ज्यादा खूबसूरत है। हालांकि इन दोनों ननद भाभी की जोड़ी को फैमिली फंक्शन में हमेशा एक दूसरे के साथ देखा जाता है, जहां दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग पिक्चर्स में साफ दिखती है। नंबर दो, मीरा राजपूत। बॉलीवुड के सबसे फेमस एक्टर शाहिद कपूर के साथ शादी करने के बाद सीधी शादी मीरा राजपूत अब उनके परिवार का हिस्सा बन गई है। इनको अपने ससुराल में अपने इन लॉज से बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। लेकिन इस मामले में इनकी छोटी ननद सना कपूर भी पीछे नहीं है, जो अपनी भाभी को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। ये दोनों साथ बैठकर गॉसिप, घंटों बातें करती हैं और कुकिंग करना पसंद करती हैं। तभी तो इन दोनों ननद भाभी की जोड़ी सुपरहिट है। और इसके साथ साथ सनाई की एक्ट्रेस भी हैं, जो कुलावो के रूप में शानदार फिल्म में नजर आई थी। नंबर तीन, दीपिका पादुकोण। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को साल 2017 में रणवीर सिंह के शादी करने के बाद भरा पूरा परिवार मिला। इनकी क्यूट नंद रितिका के साथ इनकी बॉन्डिंग देखते ही बनती है। ये दोनों ही ननद भाभी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठाकर रखती हैं, जिसके चलते इन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होती और ना ही कभी कहा सुनी होती है। हालांकि इनकी ननद इनसे कई गुना ज्यादा समझदार है, इनको हमेशा घर परिवार को संभालने के तरीके बताती रहती हैं। तभी तो दीपिका अपनी सास ससुर के आगे एक परफेक्ट बहू है। आपको बता दे कि इनकी ननद अभी अनमैरिड है और एक फैशन डिजाइनर के रूप में काम कर रही है। नंबर फोर, ऐश्वर्या रॉय बच्चन। मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या रॉय बच्चन ने देश से लेकर विदेश तक अपनी खूबसूरती के चलते दौलत और शोहरत कमाई। फिल्मों के साथ काम करने के बाद इन्होंने लव मैरिज की अभिषेक बच्चन के साथ। इस तरह से अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा इनकी ननद हुई, जो पेशे से एक राइटर और एक बिजनेस वुमेन है। बात करें अगर इनके खूबसूरत रिश्ते की, तो ऐश्वर्या और इनकी ननद नंदा बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में शामिल होती हैं जो हमेशा एक दूसरे के साथ नजर आती हैं और जो एक दूसरे को प्यार और इज्जत देती हुई नजर आती हैं। नंबर फाइव, फरा नाज। 80 और 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड पर राज करने वाली अभिनेत्री फरा नाज भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी। और इन्होंने साल 2003 में सुमित सहगल से शादी की, जिनकी कोई बड़ी बहन नहीं है, इसके चलते इनकी कोई ननद नहीं है। लेकिन इनके पहले पति बिंदु धारा की और ये उनकी तीन बहनों की भाभी बनी। नंबर सिक्स है रानी मुखर्जी। अपने बेहतरीन अभिनय के चलते और अपनी खूबसूरती के चलते बॉलीवुड में कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री भी इस लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन यशराज कंपनी के मालिक आदित्य चोपड़ा से शादी करने के बाद इनकी कोई ननद नहीं है। लेकिन ये खुद एक ननद हैं, जो अपनी भाभी ज्योति के साथ एक अच्छे रिश्ते को लेकर इस लिस्ट में शामिल होती हैं। बता दें कि रानी अपनी भाभी और बच्चों का खूब ख्याल रखती हैं, तभी तो रानी मुखर्जी को उनके साथ हमेशा घूमते और एंजॉय करते हुए देखा जाता है, जहां इनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये दोनों ननद भाभी हैं। इन दोनों की बॉन्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की ननद और भाभी की जोड़ी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।